10 बज गए। यश जी अभी तक आए क्यों नहीं? कौन से काम में बिजी हो गए वो? आरती जी तो बहुत गहरी नींद में सो रही है, इनको उठाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब क्या करूं। एक मिनट, बहू जी ने कहा था कि इससे पहले देर हो जाए वे जज्बात को जाहिर कर देना चाहिए। आरती जी, आरती जी उठिए ना। आरती जी आरती जी। हाँ, क्या हुआ? बच्चे जग गए क्या? पहले कुछ शाम को बहुत खांसी आ रही थी, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए बैठिए, बच्चे बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने मुझे इतनी रात को क्यों उठाया? वो आरती जी, मुझे आपसे कुछ कहना है।
से कहना है? कहिए जी। चांद से चमकती लहरों को छूकर जो हवा का झोंका आया है, कितना शीतल है। नरम पंखुड़ियों को छेड़ती हुई जो बूंद टपकी है, कितनी निर्मल है। तुम्हारे मन से जो हमारे मन से जो वो हमारे तुम्हारे मन नहीं नहीं आरती जी, हमारे तुम्हारे मन से जो हमारे हमारे यशी, मैं समझ गई। अच्छा अभी सो जाती हूँ। नहीं, एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट दीजिए मुझे। सब कुछ तो याद था मुझे, फिर भूल कैसे गया? आरती जी के सामने आते ही सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। तुम्हारे मन से, तुम्हारी खुशबू से महकता जो ख्याल आया है, कितना मदहोश है। और मुझे छूकर तुम तक जो सवाल पहुंचा है, वो कितना प्यासा है। भी किसी परिभाषा की आवश्यकता है? आरती जी, आपको कैसे पता? इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कविता है ये यशी। एक बार तो इस कविता ने हर दिल में जरूर तूफान मचाया होगा, लेकिन आपने इतने प्यारे शब्दों का कत्ल ही कर दिया। अच्छा, ये वाला सुना है आपने? फिर आरजुओं ने दिल के किवाड़ खटखटाए, फिर आज इतने प्यार से तुमने दिखाए मुझे। आकाश से जब वो ओस की बूंदें टपकी, तुम्हारे याद के बादल लिपट गए मुझसे। अंधेरों की झुरमुट में जब कभी मन डूबा, तुम्हारे चेहरे के उजाले लिपट गए मुझसे। वैसे आप ये किसी वेडिंग प्लानिंग के लिए याद कर रहे हैं क्या? मतलब
अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं बहुत अच्छे से आपको ये सारे शेर और शायरी याद करा दूंगी। लेकिन यश जी, अभी बहुत नींद आ रही है, प्लीज सो जाने दीजिए। आंटी जी, वो लेकिन वेडिंग के लिए बेटा यश सिंधिया, आओजी का ये आइडिया भी फेल हो गया। क्या हो जाता तुझे? आरती जी के सामने तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? हाँ, अंश, अंश कहाँ चला गया? सुबह सुबह नहाने का टाइम हो रहा है और इसका कोई आता ही पता नहीं। बहुत परेशान करने लगा है आजकल, अभी कहाँ ढूंढूं इसे। काका, अंश बाबा को देखा क्या? अंश बाबा को तो बगीचे में जाते हुए देखा था भाभी। अच्छा ठीक है, किचन में देख लीजिए ना, बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है भाभी। बगीचे में खेलने की पड़ी है इसे, अभी देखती हूँ। अच्छा तो मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और यही अपने पापा के साथ खेल रहा है। स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है इसे अभी? अंश चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं मम्मा, सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल भी नहीं, चलिए जल्दी चलिए। अंदर चलो। नहीं मामा, प्लीज 5 मिनट खेलने दो ना। मैंने कहा ना, अंदर चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अंश, आप गुड बॉय हो ना, तो फिर अंदर जाइए, हम लोग बाद में खेल लेंगे। ओके ओके, जाइए। आरती सुनो, भैया क्या बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? कल रात को भी भाभी को आई लव यू नहीं बोल पाए ना, ना तो शराब काम आई और ना ही शायरी। भैया अब तो बस एक ही तरीका है भाभी को अपनी दिल की बात बोलने का, आप उन्हें एक अच्छी सी जगह एक हॉलिडे पे ले जाए, समुद्र किनारे, वहां पे जाके स्कूबा डाइविंग करना और अपनी दिल की बात बोल देना, और फिर तो आरती भाभी भी नहीं भाग पाएंगी वहां से, राइट? भैया आपके फ्रेंड आए। क्या बोलना चाहते हो? आरती, दरअसल मैं तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा हुआ तुम बाहर ही मिल गए। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। उम्मीद है कि तुम मना करके मुझे निराश नहीं करोगे।
आरती, मैं तुम्हें जो कुछ भी मांगना है अंदर चल के मेरे पति के सामने मांगने की हिम्मत रखो। ये चोरी छुपे नहीं। आप गलत मत समझिएगा, दरअसल आरती जी गिर रही थी तो मैंने उन्हें संभाल लिया। इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं, आपने आरती जी को बचाया, थैंक यू वेरी मच। आरती जी आप ठीक तो है ना? जी 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 अश्री, मैं ठीक हूँ। वैसे आपसे मुझे एक बात पूछनी थी, आप कल भी घर आए थे बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए आप वापस भी चले गए, आज भी आप आए हैं, कोई बात है प्रशांत? आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं? प्रशांत, आपने मुझे दोस्त समझा है ना, तो दोस्ती में झिझक कैसी, बताइए आखिर बात क्या है? सही कह रहे हैं आप, दोस्ती में किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और ना ही एक दूसरे से कोई बात छुपानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहूंगा कि मैं कल आया और आपसे बिना मिले चला गया। दरअसल मैं सच कहूं तो आपको आरती के साथ देखकर, आरती के लिए आपका प्यार देखकर मैं थोड़ा अपसेट हो गया था और भगवान से थोड़ा नाराज भी कि जितनी खुशी उसने मेरे दोस्त को दी उतनी मुझे क्यों नहीं दी। मैं जानता हूं आपको ये बात अजीब लग रही होगी लेकिन जो सच है वो सच है। और दूसरी बात ये कि मैं कल आपसे कुछ कहने ही आया था लेकिन कह नहीं सका, इसीलिए आज फिर आना पड़ा।